गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल। तो आज सुबह से काम में इतना लेट हो गए कि अभी मैं नहा के आई हूं और शाम हो गई और विशु कर रहा है रंगोली की तैयारी। मैं दिखाती हूं आपको कि कौन कौन से कलर से वो क्या बनाने वाला है। तो ये देखिए, ये है थाली और ये पुराने चाय के कप थे जिसमें एज पर कलर उसने रंगोली के कलर भी डाले हैं। येल्लो में येल्लो, ग्रीन, रेड, पिंक कलर का कोई था नहीं तो उसने ऑरेंज में ये पिंक डाल दिया। और इतने ही कप थे और ब्लू में ब्लू डाला है और ये रंगोली बनाने की तैयारी कर रहा है। और रंगोली आज कल उसने ओम वाली रंगोली बनाई थी, मैंने आपको दिखाई होगी ये वाली, और आज वो बनाने जा रहा है छोटी दिवाली के नाम से ये वाली। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद वो कैसे बनाता है। हेलो गाइस, अभी बजे हैं रात के 9-10 बज गए हैं और आप देख सकते हो मैंने बालों में क्या किया है और उधर बिग बॉस चला रखा है और ये ऐसी चोटियां बनाई है क्योंकि मैं सुबह ना कर्ल्स चाह रही हूँ। देखते हैं बनता है नहीं बनता है। अभी मेरे हाथ दुखने लगे, अभी पीछे के बाल सारे रहते हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रात को मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बुक कर रखी थी कर्ल्स के लिए, तो वो अभी मैंने खोल ली है और ये देख सकते हैं आप पूरे कर्ल्स आ चुके हैं बालों में। और अभी मैंने ऐसे ही थोड़ा खोला है और फाइनल लुक आपको शाम को ही पता चलेगा जब मैं तैयार होंगी। तो अभी हर सुबह सुबह तो नहाने से पहले मैं अपना थोड़ा जो डस्टिंग का काम है वो कर रही हूँ और जो चेंज करना है जैसे बेडशीट वगैरह और ये सब चेंज करना है, कारपेट जो लेके आई थी वो भी चेंज करना है और जो डेकोरेशन वगैरह करनी है तो वो करूँगी। उसके बाद नहाने के बाद फिर हम तैयारी करेंगे जो मंदिर वगैरह सजाते हैं वो, और नाश्ते वास्ते भी साइड बाय साइड चल रहा है मेरा। और आज मैं बना रही हूँ छोले बनाए हैं और खीर बनाऊँगी। छोले मैंने चढ़ा दिए हैं, खीर मैं शाम को बनाऊँगी और उसके साथ अगर पूरी, अभी दोपहर में ही बना लूँगी मैं छोले क्योंकि उसके साथ चावल हो जाएंगे, रात को पूरियाँ हो जाएंगी। तो अभी मैं बेडशीट बिछाऊँगी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो आज मैं दिवाली के टाइम मैं ये वाली बेडशीट बिछा, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया होगा बेडशीट हॉल, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये उसी में से एक बेडशीट है। तो आज मैं दिवाली पे ये वही डबल बेड पे ये वाला बिछा रही हूँ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोती सोप यूज़ करते हैं दिवाली वाले दिन, तो ये मैं निकाल के रख रही हूँ नया। चने उबल चुके हैं और ये जो कढ़ाई लेके आई थी मैं धनतेरस वाले दिन, आज इसमें तड़का लगा रही हूँ मैं। मसाला मैं पीस के डालती हूँ और ये मैं पीस चुकी हूँ इसमें मेरा। इसमें है अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। तो ये सरसों का ऑयल मैंने डाल दिया इसमें। ये तेल गरम हो रहा है, उससे पहले मैं अपने इसमें मसाला बना रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च, मैं थोड़ा सा पानी में हल्का सा एक घूंट पानी में थोड़ा पेस्ट बना लूंगी ताकि जब ये गर्म हो जाए इसमें मैं डालूं तो एकदम मसाला जलेगा। ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि जो सरसों के तेल की जो कच्ची की स्मेल आती है वो नहीं आएगी। थोड़ा सा ये डाल दूंगी क्योंकि मैंने जो चने उबाले हैं उसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मैं
अभी मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा भूनने के बाद मैं डाल दूंगी ये जो मसाला मैंने बनाया है। जीरा भून गया है, अब मैं ये पेस्ट डाल दूंगी। मुझे लग रहा है कढ़ाई शायद छोटी पड़ गई है तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि तो मसाला अभी थोड़ा सा बचा है, तो इससे बेटर है कि बाहर सारा फैले और मैं कढ़ाई चेंज कर लेती हूँ। चेंज कर ली है मैंने क्योंकि वो छोटी थी। आज थोड़े जो चने हैं ये मैंने थोड़े फालतू बनाए हैं। तो मैंने हल्दी, मिर्च और धनिया वाला ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इधर मैं ये बना रही हूँ सब्जी और विशु उधर क्या कर रहा है मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए नीचे पूरे पूरी सारी इसने बनाई है, अभी भी लग ही रहा है वो। हमारे घर में रंगोली का काम विश्व ने संभाल लिया है। तो ये देखिए मसाला भून चुका है, ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है, तो अभी मैं इसमें पूरे जो उबले हुए चने हैं वो डाल दूंगी। तो जैसा देख सकते हैं आप, ये मैंने दूध चढ़ा दिया है और शाम के प्रसाद के लिए, और इसमें मैंने चावल थोड़े से भिगो दिए हैं और खीर बनाने की तैयारी है, क्योंकि आज प्रसाद में मैं खीर बना रही हूँ। और साइड बाई साइड पे चाय बनाई हुई है, शाम की चाय है ये। दूध बॉइल हो चुका है, मैंने इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल दिया है क्योंकि दूध ज़्यादा था। और ये मैंने जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, ये छोटे वाले चावल मैंने स्पेशली खीर के लिए ला रखे हैं, तो ये ईजी होता है इनको और खीर बनना इनसे, क्योंकि बड़े बड़े फिर वो मुँह में आते हैं, ईजिली गल जाते हैं। तो अब मैं ये चावल इसमें डाल दूँगी पकने के लिए, और जब ये गल जाएंगे अच्छे से फिर इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। ये मैंने अभी इसमें चीनी डाल दी है और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है ऊपर से, और अभी थोड़ा सा और चलेगा, उसके बाद ये पूरी बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, चावल गल चुके हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हो। ये चावल लेते हैं, उतनी चीनी डाल सकते हो, मैंने थोड़ी इसको कम डाली है। दोपहर के दो हो गए, खाना वाना खा के अभी मैंने रंगोली बनाई है, ये भी अभी सेंटर यहाँ पे बनाऊंगी। उधर से दिखा देती हूँ एक बार आपको लुक, मैंने अभी दो दिए बनाए हैं और वो तो अभी ऐसे ही रखा है वहाँ पे, अभी मैं वो चौके लगाऊंगी पूजा के लिए जो लगाएंगे अभी यहाँ पे लगाएंगे मंदिर पूरा। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वही आर्टिफिशियल फूल हैं, फ्लावर्स जो मैंने मंगाए थे मैरीगोल्ड वाले, ये ऐसे मैंने बनाया है। और यहाँ पे दो दीपक बनाए हैं, यहाँ पे कुछ चौके रखे हैं, वो फाइनल लुक मैं आपको जब बन जाएगा पूरा तब दिखाऊंगी, अभी इतना ही बनाया है। और जो रंगोली विशु ने बनाई थी ये सेंटर वाली सारी विशु ने बनाई है, इसकी मैंने चारों तरफ बाउंड्री कर दी है। अभी रात को इसमें दिए लगा दूंगी तब ठीक लगेगा, कर दिया है मैंने क्योंकि ये थोड़ी सी खाली खाली लग रही थी। और विशु ने बनाई है, विशु ने एक चीज़ और बनाई है, ये दिया जो मेन दिया होता है ये विशु ने कलर किया है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये दिया बिल्कुल प्लेन था रेड कलर का, ये रेड कलर दूसरा है जो विशु ने अंदर किया है, और ये पूरा येलो कलर किया है दो। और ये देखिए आप इसमें ये भी लगाए हैं इसने ये क्रिस्टल से, और ये गोटा लगाया है इधर उसने खुद से, और इतना सुंदर बनाया है उसने दिया। इसलिए मैं प्लेन लेके आ रही थी क्योंकि मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तो करेगा इसके साथ,
अगर मैं पहले ही डिज़ाइनर लेके आती तो वो कुछ नहीं कर पाता इसमें, तो जो खुद के हाथों से करते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही प्यार झलकता है। तो इससे आज हम करेंगे, तो मंदिर देखिए मेरा पूरा रेडी हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया था, ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो मैंने मंगाए थे ये मैंने ऊपर लगाए हैं, और उसके बाद जो मेन है लक्ष्मी गणेश और सरस्वती जी की जो फोटो है जिसकी पूजा होगी, और ये साथ में जो माला है ये यहाँ लगाई है। ये सभी भगवान की फ़ोटो मैंने इधर लगा दी है सारी सीक्वेंस वाइज। ये फ्लावर्स हैं कुछ, ये पानी का लोटा है जिसमें मैंने ये पत्ते लगा के फिर रखी है कटोरी, और इसमें पैसे वगैरह रखते हैं। ये चांदी के सिक्के थे मेरे पास वैष्णो देवी के, वो रखे हैं अभी, बाकी रखूँगी बाद में। और ये जो पूजा की थाली है पूरी, ये जो मेन दिया है, घंटी है, ये मैंने उनके फुटप्रिंट्स लगाए हैं लक्ष्मी जी के, इसमें धूप है। और ये जो दो दिए हैं ये फ्लावर्स में मैंने अभी थोड़ा टाइम है, 5 बजे हैं शाम के, लेकिन मैंने थोड़े घर में थोड़ी खुशबू सी हो जाए तो ये 2 अगरबत्ती लगा दी हैं। उधर वो खील पताशे रखे हैं, इधर एक और दिया बनाया है मैंने, ये इसमें भी अगरबत्ती लगाई है, वो मैंने भोग के लिए खीर बनाई थी जो वो रख दी है। ये मिठाई है, और अभी मैं फ्रूट्स रखूँगी, फ्रूट्स रखे नहीं हैं, फ्रिज में है। और मैंने रखा है जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स बच गई थी वो मैंने इधर रख दिए हैं। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा की है, ये मेरे पास कांच का गिलास था, इसके अंदर देख सकते हो आप ये फ्लावर रखा है, और ऊपर ये पहले मैंने सोचा था फ्लोटिंग कैंडल्स बनाने के लिए, ग्लास में जैसे थोड़ा सा पानी और ऊपर सरसों का तेल डाल के और वो एक बाती बना के डाल देते हैं तो फ्लोटिंग कैंडल हो जाती है, बट उसकी जगह मैंने, कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं तो मैंने अब ये सोचा है, ये ग्लास है तो ये उल्टा करके ग्लास रखा हुआ है, इसके नीचे अंदर फ्लावर है और ऊपर ये टी लाइट रख दी है, इसी तरह दूसरे में रखी है मैंने, तो ये अभी जलेगी तो अच्छा लुक देगी। तो अभी मेरे को, विशु को और ऋषि को तीनों रेडी होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, तो ये है फाइनल। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कैंडल्स हैं, बड़ी वाली मोटी वाली कैंडल्स हैं, और ये जो मैंने आपको दिखाया था एक लेके आई थी शोपीस है, ये लोटस उसमें शेप में, एक ये है और एक तो दो कैंडल्स थे ये पर्पल कलर की, ये मैंने इधर रख दिए साइड में, थोड़े ग्लिटर से डिज़ाइन कर दिए, और ये सेंटर टेबल में ऐसे रख दिए। तो ये हुई हूँ मैं फाइनल रेडी, और बाल मेरे ये हैं, मैंने आपको दिखाया था कि कर्ल्स बनाने थे आज मुझे, तो मैंने सारे एक तरफ ला के बाल ऐसे रखे हैं, इधर ये छोटा सा क्लचर लगाया है, और पिंक कलर के ये हैं क्योंकि सूट मेरा ये पिंक कलर का ही है। ये पहले मैंने सोचा था साड़ी पहनने के लिए, बट साड़ी काफ़ी हैवी हो जाती तो ये सूट भी वैसे तो हैवी लुक दे रहा है और कम्फर्टेबल भी रहेगा क्योंकि अभी नीचे भी जाना है, पटाखे वगैरह छुड़ाने तो साड़ी में पॉसिबल नहीं होता। और हाथों में मैं दिखा देती हूँ आपको, ये सिंपल कड़े डाले हैं मैंने स्पार्कल गोल्डन कलर के, और अभी हम पूजा करेंगे। एक छोटी सी बिंदी और लगाई है मैंने, can we
और ये अभी आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ बालकनी का। ये लड़ियों से दिया बनाया है। विशु बोल रहे पीछे से कि आप ये भी बताओ कि मैंने बनाया है, तो अभी आपको सबको पता चल गया होगा कि किसने बनाया है ये दिया। ये लड़ी है और ये दिए कैंडल्स भी सारे विशु ने बनाए हैं, लगाए हैं मतलब। और मैं अभी यहाँ से बालकनी से जो व्यू दिखता है वो भी दिखा देती हूँ आपको। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स दिखेंगी। और ये है हमारी घी जो मैंने सुबह आपको रेसिपी दिखाई थी। अभी देखो ठंडी होके थोड़ी और ऐसी गाढ़ी हो गई है। इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला है, वैसे मेरे पास केसर भी था बट मैंने अब की बार नहीं डाला है क्योंकि विशु नहीं खाता है और ना ही मैंने इसमें बादाम डाला है। प्लेन बनाई है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डाल दिए थे तो विशु ने खाए नहीं थे, तो ये हम खा रहे हैं अभी। और विशु अभी नीचे गया हुआ है खेलने, तब आके खाएगा। आप लोग भी खा लीजिए। तो आरती हो चुकी है ख़त्म, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। विशु प्रसाद लो बेटा। ये फ्लैश बॉम्ब, ये ऐसा लगेगा जैसे आपको अपनी फोटो खींच रही हो आपकी। ये नया नया टाइप का पटाखा फर्स्ट टाइम देखा मैंने। वो मुझे बेस्ट लगा। ओह शिट,
तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। You're the only